वक्त तरीन और शिबली फराज ने वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। राणा सनाउल्ला की चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सरकारी अफसरान को धमकियां। हुकूमत का लीगी रहनुमा के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं राणा सनाउल्ला ने सरकारी अफसरान के खिलाफ दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। फवाद चौधरी देर ना करें, खुद मुद्दई बने और मुकदमा दर्ज करवाएं, अपने मौकिफ पर कायम रहूंगा। राणा सनाउल्ला का वजीर इत्तला'आत के बयान पर रद्द अमल, कहा धमकियों से पीछे नहीं हटूंगा। सिंध की तरक्की के लिए तआवुन के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने जज़ायर के मामले पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर इत्तला'आत सिंध नासिर शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जज़ायर के हवाले से खत में माहीगीरों के हुकूक की बात की थी, जवाब सदारती ऑर्डिनेंस की शक्ल में दिया गया। जहांगीर तरीन की जेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास, 30 से ज्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत, बाज़ अरकान की मुस्ताफी होने की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। किरदार कुशी कौन कर रहा है, केस किसने किया, नाम आखिर क्यों नहीं लेते। समा के सवाल पर तरीन का नाम बताने से इनकार, इसहाक खाकवानी को भी नाम लेने से रोक दिया। और कराची में मुनाफाखोरों ने मुर्गी महंगी करने के लिए मसनूई किल्लत पैदा कर दी। ब्रॉयलर डीलर की जानिब से हफ्ते में 3 दिन मुर्गी की सप्लाई बंद, मुर्गी का गोश्त 500 रुपये फी किलो तक पहुंच गया, मजीद इजाफे का भी खदशा।